are fit and fine. Dear kids, in science, previously I had explained you chapter 4, adaptations in animals and its notes. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready, kids? Let's begin. Let's see. Our first question is, in how many groups animals can divide? Which are they? Kids, animals को कितने group में और कौन से groups में divide किया गया है? Let's see the answer. Animals can divide in 5 groups. Terrestrial animals, amphibians animals, aquatic animals, arboreal animals and aerial animals. Now kids, our next question is, which are the features of terrestrial animals? जो terrestrial animals होते हैं, जो land पर रहते हैं, उनके features क्या है? Let's see the answer. Terrestrial animals usually move on land with their limbs. They adapt themselves to their habitats. जो terrestrial animals है, वो अपने limbs की मदद से, अपने legs की मदद से land पर चलते हैं और वो अपने आप को उनके habitat में adjust करते हैं. Let's see the next question. Which animals are called aquatic animals? कौन से animals को aquatic animals कहा जाता है? Let's see the answer. Animals that live in water are called aquatic animals. For example, whale, turtle, fishes, crab, etc. कि जो animals water में रहते हैं, उन्हें aquatic animals कहा जाता है. जैसे कि whale है, turtle है, fish है, crab है, तो जो water में ही रहते हैं. Now kids, our next question is, what are arboreal animals? Give example. Arboreal animals किसे कहा जाता है और उसके हमें examples लिखने हैं. तो animals that spend most of their time on trees are called arboreal animals. For example, monkey and squirrel. Kids, कुछ animals ऐसे हैं जो अपना ज्यादातर समय trees पर ही बिताते हैं, जिन्हें arboreal animals कहा जाता है, जैसे कि monkey and squirrel. Let's see the next question. Write few features of arboreal animals. हमें कुछ features लिखने हैं arboreal animals के. Let's see the answer. Arboreal animals find their food, have young ones and sleep or rest on trees. जितने भी arboreal animals होते हैं, उनको उनका food trees पर से ही मिल जाता है. उनके बच्चे भी trees पर ही जन्म लेते हैं, वो rest भी trees पर ही करते हैं और वो trees पर ही सो जाते हैं. They have claws or pads on their feet that help them to grip the branches firmly as they move or when asleep. और ये सारे animals के पंजे ऐसे होते हैं कि जिसकी मदद से जब भी वो trees के टहनियों पर चलते हैं, तो उनकी grip trees की branches पर बनी रहती है और वो जब सोते हैं तो वो ही branches को वो आसानी से पकड़कर सो जाते हैं. Their broad hips help them carry their body weight. और उनके ब्रॉड हिप्स की मदद से ही वो अपनी बॉडी का वेट भी कैरी कर सकते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई स्लोथ इज कॉल्ड लेजी एनिमल? स्लोथ को लेजी एनिमल क्यों कहा गया है? लेट्स सी द आंसर. स्लोथ इज कॉल्ड लेजी एनिमल बिकॉज इट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ स्लीपिंग एंड रेस्टिंग ऑन ट्रीज. क्योंकि जो स्लोथ है, वो एक ऐसा एनिमल है कि वो ज्यादातर अपना समय सोने में ही बिताता है और रेस्ट ही करता रहता है. इट कम्स डाउन टू द फॉरेस्ट फ्लोर ओनली वंस अ वीक. और वो सिर्फ वीक में एक ही बार ट्रीज पर से नीचे उतर कर फॉरेस्ट में आता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स? एरियल एनिमल्स किसे कहा जाता है? एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, पैरट. जो एनिमल्स या बर्ड्स एयर में फ्लाई कर सकते हैं, उन्हें एरियल एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि पैरट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स? बर्ड्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है? लेट्स सी द आंसर. बर्ड्स हैव अ लाइट बोन्स एंड लंग्स. बर्ड्स के जो बोन्स और लंग्स होते हैं, वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं. देयर बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स. और उनकी जो बॉडी है, वो पूरी फीदर्स से ही कवर्ड रहती है. द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ देयर बॉडी अलाउ देम टू कट थ्रू एयर एंड फ्लाई. और उनकी जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उसकी मदद से वो आसानी से एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस? गिव एग्जांपल. कौन से एनिमल्स को एम्फीबियंस कहा जाता है, उसके हमें एग्जांपल्स लिखने हैं. एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग. जो एनिमल्स लैंड पर भी रहते हो और वाटर में भी रहते हो, उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है. जैसे कि फ्रॉग है, न्यूट है या सलामंडर है, वो सारे एम्फीबियंस है. नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर हर्बीवर्स एनिमल्स? किड्स, हर्बीवर्स एनिमल्स किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर.
Animals which eat plants and grass are called herbivorous animals. Example, cow, horse, deer, etc. जैसे कि आप सभी को पता है कि जो animals grass और plants खाते हैं उन्हें herbivorous animals कहा जाता है. जैसे कि cow है, horse है, goat है, deer है, वो सारे ही animals herbivorous है. Now kids, let's see the next question. Which type of teeth do herbivorous animals have? जो herbivorous animals होते हैं, उनके teeth किस type के होते हैं? Let's see the answer. Herbivorous animals have sharp front teeth to cut the grass. Herbivorous animals के जो आगे के दांत होते हैं, वो बहुत ही sharp होते हैं. And flat grinding teeth at the back chew the grass. और पीछे की side पर flat teeth होते हैं, तो जिसकी मदद से वो grass को चबा सकते हैं. Now kids, let's see the next question. Which are carnivorous animals? Carnivorous animals किसे कहा जाता है? Let's see the answer. Animals which eat the flesh of other animals are called carnivorous animals. For example, lion, tiger, etc. कि जो animals दूसरे animals के flesh को खाते हैं, उन्हें carnivorous animals कहा जाता है. जैसे कि wolf है, lion है, tiger है, leopard है, etc. Now kids, let's see the next question. Which are omnivorous animals? Omnivorous animals किसे कहा जाता है? Let's see the answer. Animals which eat both plants and other animals are called omnivorous animals. कुछ ऐसे animals हैं कि जो plants भी खाते हैं और animals को भी खाते हैं. जैसे कि bear, crows, human beings, ये सारे ही omnivorous के example हैं. Now kids, our next question is, write three ways in which some animals can defend or protect themselves. हमें कुछ ways लिखने हैं कि जिससे कुछ animals अपने आप को दूसरे animals से protect करते हैं. Let's see the answer. Some animals can defend or protect themselves by camouflage and mimicry. कुछ एनिमल्स अपने आप को कैमोफ्लेज या तो मिमिक्री से प्रोटेक्ट करते हैं. कैमोफ्लेज में कुछ एनिमल्स की जो स्किन का कलर होता है वो अपने सराउंडिंग से मैच करता है, और मिमिक्री में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने कलर को उनके सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंज करता है और उनकी तरह ही बिहेव करता है. नेक्स्ट इज बाय स्टोरिंग थिंग्स दैट मेक देम पॉइजनस. और फ्रॉग या तो मोनार्च बटरफ्लाई ऐसे एनिमल्स है कि जो अपने अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस को स्टोर करके रखते हैं, तो जब भी कोई दूसरा एनिमीज उनको खाने के लिए आता है तो उनके अंदर से जो गंदी स्मेल आती है और वो पॉइजनस होने की वजह से उनको कोई खाता नहीं है, और इस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज बाय प्रोटेक्टिंग देयर सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स विद अ हार्ड शेल. किड्स, टॉर्टोइज जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स है कि जिनके बॉडी के ऊपर हार्ड शेल होता है, तो जिसकी मदद से उनकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्ट रहती है. तो इस तरह से ये सारे वेज से एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू एनिमल्स माइग्रेट? नेम थ्री एनिमल्स दैट माइग्रेट. एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, और हमें कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम्स लिखने हैं कि जो माइग्रेट करते हो. Let's see the answer. Animals migrate in search of food, for a warmer climate, for laying eggs and to bring up their young ones in a safer place. Kids, कुछ animals ऐसे हैं कि जो झुंड में एक जगह से दूसरी जगह पर migrate करते हैं, और वो क्यों migrate करते हैं? ताकि उनको खाना मिल सके और वो warm climate में रह सके, या तो वो अपने अंडे दे सके और वहीं पर उनके जो बच्चे हैं वो safe place पर grow हो सके. तो इसी वजह से कुछ बर्ड्स या तो कुछ एनिमल्स है कि जो माइग्रेट करते हैं. फॉर एग्जांपल, क्रैब्स, साइबेरियन क्रेन एंड बाल्ड ईगल. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट फ्यू लाइंस ऑन फिश. फिश के ऊपर हमें कुछ लाइंस लिखनी है. लेट्स सी द आंसर. फिश हैज यूनिक शेप व्हिच हेल्प्स इट टू मूव इजीली इन वाटर. जैसे कि आप सभी को पता है कि फिश का एक यूनिक शेप है, तो जिसकी मदद से वो आसानी से वाटर में मूव कर सकती है. फिन्स हेल्प इट टू स्विम एंड बैलेंस इटसेल्फ इन वाटर. और उसके जो फिन्स होते हैं, तो जिसकी मदद से वो आसानी से वाटर में स्विम भी कर सकती है और अपने आप को वाटर में बैलेंस भी करती है. द टेल हेल्प्स इट टू चेंज डिरेक्शन. और टेल की मदद से उनकी जो डिरेक्शन है वो चेंज होती है. एंड इट्स ब्रीथ्स थ्रू गिल्स इन वाटर. और वाटर में वो गिल्स की मदद से ब्रीथ कर सकती है. Now kids, our next question is, what is hibernation? Hibernation किसे कहा जाता है? Let's see the answer. Some snakes and frogs cannot survive in cold winter. Kids, कुछ ऐसे animals है जैसे कि snake, frog या तो squirrel, कि जो cold winter में survive नहीं कर सकते हैं.
So they eat a lot during in summer and store the extra food in their body as fat. ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं कि समर में वो बहुत ज्यादा खा लेते हैं और फिर फैट के फॉर्म में उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा फूड को वो स्टोर कर लेते हैं। When winter comes, they sleep in caves or underground hole. और जब भी विंटर सीजन आती है तो वो केव्स में या तो अंडरग्राउंड होल्स में जाकर सो जाते हैं। This is called hibernation. और ये प्रोसेस को हिबरनेशन कहा जाता है। So kids, here chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.